देख सकते हैं भैया ने बीस रुपये में हमें मटका दिया, हमसे कश्मीर में मटका कहते हैं, पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं। नमस्कार मेरे देशवासियों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज मैं आपको एक कश्मीर की फेमस जगह दिखाने वाला हूं, जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में पड़ती है, जिसका नाम है बलरवंडी। तो चलिए ज्यादा बकचोदी नहीं करेंगे, बाहर दो बंदे वेट करे, तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बाहर आते ही हम चढ़ गए धनु पे और दौड़ने लगे बलरवंडी की तरफ। रास्ता भी बहुत खराब था, तो चलते चलते नहीं लगा। फाइनली अल्लाह ने हमारी सुन ली और रोड अच्छा आया। फिर हम दौड़ने लगे वालूर वंटेज की तरफ, लेकिन वालूर वंटेज से पहले एक जगह आती है जिसका नाम है सनसेट पॉइंट, जो कुछ मंथ पहले ही वहाँ पे बनाया गया है, इसलिए हमने सोचा सबसे पहले वहीं पे चलते हैं। जैसे हम सनसेट पे पहुँचे, हमने बाइक को साइड में किया और मैं सनसेट पे चढ़ गया। तो मेरे पीछे पीछे बंदा आ रहा था, फिर मैं देखने लगा, वहाँ से सारा वालूर लेक दिखाई दे रहा था और बांडीपोरा भी। मेरे सामने वो जो टॉप पे है वो है गरोरा पार्क, जहाँ पे हमें जाना है। अब मैं कैमरा से जूम करने की कोशिश करूँगा और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं कैमरा से पूरा जूम करूँगा, आप देख सकते हो ये जो है यही है वालूर वंटेज, गरोरा पार्क यही है जहाँ पर ये पेट और लाइट जैसी लगी है, आप देख सकते हो। अब हमें वहीं पर जाना है, मैंने पूरा जूम किया, आप देख सकते हो ये ऊपर का सेट शायद। गैस आप देख सकते हो फिलहाल हमने कुछ फ़ोटो उठाए हैं। यहाँ पे हमारा कैमरा मैन है इशफाक अहमद और ये जो हमारा मॉडल है आदिल अहमद। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने सनसेट पे फ़ोटो क्यों नहीं उठाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप थी, इसलिए फ़ोटो साफ नहीं आ रही थी, इसलिए हम पहाड़ के पास आ गए, यहाँ पर फ़ोटो साफ आ रही है। फिर यहाँ पे दो भाई मिले जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बोला हमारी पिक्चर ले लो, क्योंकि वो शायद दो दोस्त थे। फिर मैंने उनकी पिक्चरें ली। तो गए चलो देखो, ये है सनसेट पॉइंट वालूर लेक जिसे कहते हैं। अब हम जाएंगे गरोरा पार्क पे। सनसेट पॉइंट देखने के बाद हम गरोरा पार्क की तरफ बढ़ने लगे हैं, जो कि बांडीपोरा रोड पर आता है। अब देख सकते हो हमारे सामने जो है वही गरोरा पार्क है। अब हम यहाँ पे बाइक साइड में लगाएंगे और सबसे पहले मैं आपको बाहर से ही यहाँ का व्यू दिखाऊंगा कि गरोरा पार्क बाहर से कैसी लग रही है। अब देख सकते हो गाइस, सबसे पहले हम बाइक साइड में लगाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे, मतलब मैं सड़क पे हूँ इस वक्त, कैमरा से जूम कर रहा हूँ, मतलब ये जो है ये वाला वालूर के साथ होता है वालूर, ये अभी बना नहीं है, इसमें भी काम चल रहा है, ये जल्दी तैयार होगा इंशाल्लाह। ये बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लगभग कश्मीर में पहले नंबर पे यही आएगा, जैसा मैंने सुना है। बाकी आप देख सकते हो हमारा ये जो है प्यारा सा वालूर है, ये छोटी पार्क है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, एक बार आप आना। तो ये है हमारा एंट्री गेट, यहाँ से हमने एंट्री की। जैसे ही हम अंदर गए, सबसे पहले टिकट लेनी पड़ती है, टिकट शायद 20 रुपये की आती है, मुझे नहीं पता, उस टाइम मेरा फ्रेंड गया उसके पास। फिर जैसे हमने टिकट ली, फिर हमने एक रील बनाई, मतलब रील टाइप की वीडियो बनाई, एक बंदा सामने था जो कि हमारे जो शूट कर रहा था। अब देख सकते हो आई लव वालूर लिखा है, मतलब यही है वालूर। वो जो है वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह बैठते हैं, आज भी थे कुछ टूरिस्ट और सीआरपी आई थी। फिर हमें कुछ भाई मिले, उन्होंने बोला हमारे साथ फ़ोटो ले लो, फिर मैंने उनकी भी फ़ोटो ली अपने कैमरा से और उनके साथ भी पिक्चरें ली। फिर मैंने उनको शाम को व्हाट्सअप कर दिए। अब देख सकते हो वालूर अंदर से कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से पानी आ रहा है, ये जो है वो पहाड़ है बैकग्राउंड में आते हैं, अगर आप कभी आओगे फोटो उठाओगे तो ये पहाड़ बैकग्राउंड में आएंगे आपके। वो जो है वो पानी, वो पार्क बनने वाली है वालूर वंटेज, असली वालूर उसी को कहते हैं। तो गाइस ये वालूर वंटेज का एंड है, यहाँ पे पार्क ख़त्म होती है। तो इस वक्त टाइम आया है 2 बजे, हमें भूख भी लगी है, हमने अब तक कुछ खाया भी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ खाएंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा आगे, बने रहिए हमारे साथ। तो
तो गाइस एक बंदा गया बिरयानी लाने, पता नहीं कब आएगा, कम से कम 15 मिनट हो गए हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो गाइस सज्जाद भाई गया था बिरयानी लाने, उसने बिरयानी भी लाई और हमने बिरयानी भी खा ली। अब फिर मैंने अपनी शर्ट भी चेंज की, अब देख सकते हो मैंने नई शर्ट भी लगाई। इश्वाक भाई बैठा है और हमारा कैमरा भी डाउन हो गया है। अब हम घर जाने की सोच रहे हैं क्योंकि लेट भी बहुत हुआ। आप एक बार यहाँ पे आना, लैग कहते हैं इसे, आप देख सकते हो। मतलब आज हमने बहुत ही इन्जॉय किया यहाँ पे आके और हम बहुत खुश हुए यहाँ पे आके। मैं आपको यही बोलता हूँ कि आप भी यहाँ पे आओ और अपना टाइम यहाँ पे गुजारो। फिर जाते टाइम मैंने अपना कमीज शलवार वापस पहना और हम घर की तरफ निकलने लगे। यहाँ पे टिकट लेनी पड़ती है जब अंदर आते हैं। अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं और हम पार्क से बाहर आ गए हैं। तो गाइस फाइनली हम पार्क से बाहर आ गए हैं, आप देख सकते हो। बस भाई क्या कर रहा है वहाँ पे सज्जाद भाई, क्या बाइक लेने का बनाओ आप क्या? चलो अब भूख बनाओ स्त्रिया। पार्क के बाहर खड़ा था एक बंदा जिसका नाम था शिविर भाई। ये यहाँ पे मटका बेच रहा था, मेरे ख्याल से सस्ता बेच रहा था क्योंकि 20 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं आता है। इसने 20 रुपये में हमें मटका दिया है और ऊपर से एक दो वैरायटी डाली है। ऊपर से पता नहीं ये क्या था, दूध था या कुछ ऐसा, दूध के जैसा टेस्ट था इसमें, लेकिन मुझे नहीं पता ये क्या था। अब देख सकते हो कितनी मस्त लग रही है। क्या खाने के बाद मैं दुकान पे जा रहा हूँ, वहां से ड्यू लाऊंगा क्योंकि हमने बिरयानी खाए ना मटका से पहले, इसलिए ड्यू पीना ज़रूरी है। और कुछ लेज लाएंगे। फिर दुकान की तरफ नीचे आ गया क्योंकि वहाँ पे थोड़ा नीचे जाने के बाद दुकान आता है। जैसे ही दुकानदार के पास गया, दुकानदार से बोला भाई मुझे एक ड्यू चाहिए, उसने बोला ड्यू नहीं है माउंटेन ड्यू है। फिर मैं सोच में पड़ गया यार, फिर मैंने बोला हाँ उसे तो माउंटेन ड्यू भी कहते हैं, हमें भी वही माउंटेन ड्यू ही चाहिए। फिर उस भैया ने माउंटेन ड्यू दी। ड्यू लेने के बाद सीधा मैं बाइक पे चढ़ गया और घर की तरफ आने लगा। अब देख सकते हो रास्ते, हम यहीं रास्ते से आए भी थे और जा भी इसी रास्ते से रहे हैं। और फिर हम एक जगह पे रुक गए और वहाँ पे सज्जाद भाई चढ़ ही नहीं सकता था क्योंकि इसने पैंट पहना था, उसको चढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। फिर इश्फाक भाई आ गया और वो एक झटके में ही चढ़ गए क्योंकि वो थोड़े हल्के हैं ना इसलिए। फिर सज्जाद भाई भी चढ़ गए, फिर मैंने भी कुछ किया और चढ़ गया। फिर हम ड्यू के साथ साथ मैच का मज़ा भी ले रहे थे क्योंकि उस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच था। आपको बताएं हम इस वक्त कौन सी जगह पे हैं, हमने इस जगह पे लास्ट टाइम पुष्पा मूवी का सीन शूट किया था, हम उसी जगह पे आए थे, वो हमारी साइड में ही है। तो चलिए गाइस दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और हाँ, व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।